वातावरण खराब हो जाता है। जो बात निकालनी है वो नहीं निकलेगी। हाँ जी में आने के बाद जो आत्माएं विकार में जाती हैं उनकी क्या गति होती है? की बात है, बाप विकार में ले जाने आए हैं या निर्विकारी बनाने आए हैं? आप तो निर्विकारी बनाने आए हैं। हाँ, तो अगर कोई बाप के मत के बरखिलाफ चलेगा तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? नीचे जाने का क्या मतलब है? पदभ्रष्ट होने का क्या मतलब है? ऊंची कुर्सी से नीची कुर्सी पा जाएगा? कोई कुर्सियां बनी हुई है एक के ऊपर एक, क्या पदभ्रष्ट हो जाएगा? जो बाबा ने डायरेक्ट नरसिंह नारायण बनने का लक्ष्य दिया है, हाँ, नहीं कर पाएंगे। नारायण नहीं बनेगा? अच्छा, नारायण नहीं बनेगा, नारायण का बच्चा बन जाएगा है? अरे विश्व महाराजन न बने, विश्व महाराजन का बच्चा बन जाए तो कोई कम बात है क्या है? नहीं समझ में आया। विश्व महाराजन का बच्चा वास्तव में कौन सी आत्मा बनती है? ब्रह्मा बाबा। अगर ब्रह्मा बाबा जैसे भी कर्म किए तो भी बहुत अच्छा है। क्या ब्रह्मा और प्रकृति की आत्मा की महिमा राम की आत्मा की महिमा से कोई कम नहीं है? पता, नीचे गिर जाने का मतलब यह है कि दूसरे धर्मों में आत्मा कन्वर्ट होने वाली बन जाती है। नीचे नीचे धर्मों में जाके गिरेंगे और जितने ही नीचे धर्मों में जाके गिरेंगे उतना ही धर्म की धारणाएं बहुत नीची होंगी। यथा राजा तथा प्रजा बन जा गई। फिर वो आत्मा और पुरुषार्थ नहीं कर सकती है? वो आत्मा उसके बाद में और पुरुषार्थ नहीं कर सकती? जब दृढ़ता दान कर ले तभी से पुरुषार्थ कर सकती है। जब अंजाम करे तौबा करे। ये तो अपनी अपनी दृढ़ता की बात है, लेकिन क्या किया जाए, बनी बनाई बन रही, लेकिन अच्छे संकल्प करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। समझना चाहिए कि हमने त्रेसठ जन्म में कुछ जन्मों तक नीचे गिरने की शूटिंग की, बाद में हमने कुसंग त्याग दिया, श्रेष्ठ संग ले लिया, हमारी सुधर गई, तो अभी भी सुधर सकती है? बाबा, बाबा ने अभी कहा कि रोटी टुकड़ के लिए ऐसी स्थिति आई, ऐसा समय आएगा जब रोटी टुकड़ के लिए परेशान होंगे और अकाल पड़ जाएगा। फिर बाबा ने एक जगह बोला है कि गली गली में ज्ञान का इतना विस्तार हो जाएगा कि गली गली में गीता पाठशाला है। तो उसका अर्थ क्या है? अभी एडवांस से गीता पाठशालाएं बढ़ रही है, घट रही है? बढ़ रही है। लेकिन पुरुषार्थ बढ़ रहा है या घट रहा है? क्या बात, संक्षेत्र में कोई गीता पाठशाला नहीं थी, कोई मिनी मधुबन नहीं था और बढ़ने वाले ऊंचे चढ़ रहे थे। साधन मिलेंगे तभी पढ़ाई होती है क्या? एकलव्य को गुरु मिला, सब पढ़ाई पढ़ी या गुरु ने इनकार कर दिया तो भी पढ़ाई पढ़ ली? इनकार कर दिया तो भी पढ़ाई पढ़ ली। ये आत्मा में गश्त चाहिए। तो ज्ञान का अकाल का कारण क्या पड़ेगा? बाबा तो सामने मौजूद है। सामने मौजूद हो तब ना। बाप जो है जैसा है जिस रूप में पाठ बजाए रहा है वो बाप बच्चों को मिल जाए तो बच्चों को और किसी की दरकार है? तो बाप तो मिले हुए हैं ना बाबा? मिले हुए हाँ? मिले हुए हैं, पांडे बैठे हैं संसारों से मिले हुए तो पांडे कैसे मिले? बाप बाबा ने कहा होना माना बाप समान बच्चा। बाप ने कहा कि तुम बच्चों की ऐसे शंकर के लिए कहते हैं
शंकर ऐसी याद में मस्त हो जाता है कि बाप समान इस चीज को धारण कर ले। तो शंकर मिला हुआ है, ऐसे हम भी मिल जाए, जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, तो याद में लीन हो गई, या कोई आत्मा परमात्मा में पानी के बुलबुले की तरह लीन हो जाती है, तो ऐसी याद में टिके हैं, ऐसे मिल गए। अब तो जो मिल जाएंगे उनकी तो तो उन बच्चों के लिए तो आसान नहीं पड़ेगा ना, उनके लिए बच्चे की प्राप्ति भी गे गे वाली होगी। रावण बताया उसके ऊपर गधे का सिर नहीं दिखाया गया है। हाँ, गधे का सिर इसलिए नहीं दिखाया गया है कि जिस समय चित्र बने थे उस समय जो गधे का पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो मौजूद थी क्या, और बाद में ये पार्ट जो है डिक्लेयर हो जाएगा कि रावण के जो दस सिर हैं, पांच विकार और पांच प्रकृति के पांच तत्व, ये दस विकारों का मूल कौन है, गधा। गधा माने देह अभिमान, देह अभिमान पुरुषों में होता है या माताओं में, माताओं में। ज्यादा देहवान किस में होता है, धरणी में देहवान ज्यादा होता है, और इस सृष्टि में बड़े से बड़ी माता कौन, इसलिए दिखाया नहीं कि तुम्हारी बुद्धि कहीं खराब ना हो जाए। बाबा ट्रांसलाइट का चेहरा भवन का अभी मुस्लिम का कि तुम बच्चों के ऐसे चेहरे बन जाएंगे कि ट्रांसलाइट का चेहरा बनेगा, तो क्या 4.5 लाख आत्माओं का बनेगा बाबा, कि 108 का बनेगा या 16,108 का बनेगा या 8 का बनेगा, ट्रांसलाइट माने शीशे में सर। हाँ, शीशे जैसे चेहरे दिखाई देने लगे, किसी का चेहरा देखते ही अपनी आत्मा की स्टेज का भी दर्पण हो जाए, देखना हो जाए, और जिसके चेहरे को देख रहे हैं उसकी ऊंचाई का भी पता लग जाए। जैसे बाबा कहते हैं मधुबन है शीश महल, शीशे का महल है मधुबन में, जाने मात्र से ही जैसे शीशे में अपना और पराया क्लियर हो जाता है, ऐसे क्लियर हो जाता है। और बाप है बड़े से बड़ा आरती, बाप के सामने कोई का भी पुरुषार्थ, कोई कितना भी दिखावा करने की कोशिश करे छिप नहीं सकता। अच्छे से अच्छा पुरुषार्थी कौन है और घटिया पुरुषार्थी कौन है, वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऐसे ही जो ट्रांसलाइट के चेहरे बनेंगे वो उन आत्माओं के बनेंगे जो विनाश में शरीर से और आत्मा से बरकरार रहेंगे। तो 4.5 लाख का क्या, 4.5 लाख कहाँ होती है, 4.5 लाख में दूसरे धर्म के बीज नहीं है, तो 50,000 तो दूसरे धर्म के बीज है। हाँ? उन पर कड़क छिलका चढ़ा हुआ है या हल्का छिलका चढ़ा हुआ है, वो आज नहीं उतर जाएगा या अंत में जाके उतरेगा, संचक्र तक अंत में उतरेगा, तो ये छिलका ही अंत तक उतरेगा, तो ट्रांसलाइट के कितने टाइम के लिए बनेंगे, थोड़े टाइम के लिए अगर ट्रांसलाइट के बन गए तो घटिया धर्म वालों के लिए अपनी प्रत्यक्षता करेंगे, सारी दुनिया के सामने उनकी प्रत्यक्षता नहीं होगी। बाबा 2026 में जो अंतिम विनाश होगा तो लाख 2 लाख ही बताते हैं, लाख 2 लाख ही बता दो, रुद्र की रचित है, ज्यादा से ज्यादा 1,00,000-2,00,000 सालिग्राम बनाते हैं। सालिग्राम का अर्थ यह है वो आत्माएं बचेंगी जिन्होंने अपने को आत्म की स्थिति में स्थित कर लिया, जिन्होंने अपने को आत्म की स्थिति में स्थित नहीं कर पाया, माने घर की दाई ओर की जो भी आत्माएं हैं, वाम मार्गी नहीं है,
क्या विचार में गोते खाने वाली नहीं है। भारत की परंपरा का निर्वहन करने वाली है वो बचेंगी, आत्मिक स्थिति को पक्का बनाने वाली, उनकी यादगार रुद्रयज्ञ रचा जाता है। हाँ वो तो है, कंचन काया बनाएंगी मतलब उनके शरीर बर्फ में दब जावेंगे, और कोई की आत्मा सत्युग के पहले जन्म के अंत में उतरेगी, कोई की आत्मा मध्य में उतरेगी, तब तक बर्फ में दबे पड़ेगी। बाबा मुरली में बोला है तो बड़े बड़े राजा महाराजा बने थे, उनको राजा ही करना किसने सिखाया, बाप ने सिखाया। लेकिन आजकल जो राजा बने हैं जैसे शिवराज सिंह है, मनमोहन सिंह है, इनको राजा ही करना किसने सिखाया? कौन कौन वर्तमान के राजा है ये आज राजा बनते हैं, और जो दो पांच वर्ष के बाद नीचे उतार के जूते मारने लगते हैं। ये राजा ही है, कांटों का ताज है, यह डकैती है। राजाएं बनते हैं मोस्टली या डकैत बन के बैठ जाते हैं। बुद्धि राजाई लेनी है, बुद्धि कहाँ जाती है? बाबा ने तो बोला है तुमको राष्ट्रपति पद मिले तो भी तुम थूक मारेंगे, इतना नशा होना चाहिए। बाबा इतना अच्छा ज्ञान मिला, रिफाइन बुद्धि मिली, परमात्मा का साथ मिला, फिर भी आत्माएं क्या कारण है कि सब कुछ जानते हुए भी उल्टा काम कर रही है? पारसमणि को छोड़ के कांच की किरत को पकड़ लेती बाबा, औरों को हम क्यों देखे, पहले अपने को देखे ना। क्या वो पूर्व जन्म के संस्कारों के बसीभूत? हम भी तो पूर्व जन्मों के संस्कारों के बसीभूत हैं। हम अपने को सुधार लेंगे तो सारी दुनिया सुधर जाएगी। लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माओं के सामने कोई भी दुष्ट बुद्धि आत्मा आवेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके 63 जन्मों का हिसाब किताब पहले ही पूरा हो गया। इसलिए आप सुधरे जग सुधरा। ये कहा है कि एक के 25 बनने से सब 25 बनते हैं और एक के 52 बनने से सब 52 बनते हैं, ठीक है। तो वो आत्मा जब तक 52 नहीं बनेगी तो क्या कोई भी आत्मा ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर पाएगी? नहीं, दुनिया में भी सबसे जास्ती मान्यता किसको देते हैं, कौन से संबंध को देते हैं? नहीं, मान्यता पति पत्नी को कहाँ मान्यता दे रहे माता को, माता बच्चों को पालने में जन्म देने में कितना सहन करती है और इतना सब कुछ सहन करने के बावजूद भी माता को परिवार में वर्षा नहीं मिलता है। सारा जीवन बच्चों की पालना में जन्म देने में अपनी बुद्धि तक को खपाई देती है। माताएं सबसे ज्यादा दुखी होती है, और इस दुनिया में सबसे बड़ी माता कौन है? जगदम्बा सहन करने वाली माता है या सामना करने वाली माता है? वो माता का कौन सा रूप है? तामसी रूप है या सात्विक रूप है? सात्विक रूप है, सात्विक रूप है। जगदम्बा महाकाली का पाठ बजाती है। जगदम्बा है एक प्रकार से डब्बा, और उसमें जो सोल कार्य करती है वो है ब्रह्मा। इसलिए ब्रह्मा की सोल के में सोल के ऊपर सारा मदार है, परंतु वो ब्रह्मा का साकार शरीर अपना नहीं है,
साकार शरीर जगदम्बा का उदय, इसलिए बोला है दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन हो जाता है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही काली का पाठ बजाता, घोड़े का पाठ किसने बजाया? सबसे ज्यादा घोड़ा पाठ किसने बजाया? कृष्ण ही तो बजाया, कृष्ण ही गोरे थे गोरा, कृष्ण ही काले थे काला भी। एक फिल्म आई है ओम शांति ओम, तो इसका पिक्चर आई हुई है ओम शांति ओम, तो उनका बता रहे कि ध्यान से पहले ध्यान से पहले किया किया देखा देखे इसने देखी मैंने बाबा उसमें ये बताया उसकी स्टोरी ये कि पिक्चर के अंदर एंड में यदि सब खुश न रहे, अंत के अंदर यदि सब खुश न रहे तो वो ड्रामा किस काम का, अंत में क्या है तो पिक्चर के अंदर ये बताया कि एंड में यदि सब खुश रहते तो ड्रामा बहुत सुंदर है, तो अपने इस ड्रामे के अंदर भी एंड में सब खुश रहेंगे क्योंकि बाप मिला अंत किया उसने सब कुछ किया, जो अंत में सुखी उसका आदि भी सुखी और मध्य भी सुखी। तो जब दुनिया का विनाश होगा जो शांति स्टेज में रहेंगे वही सुखी होंगे कि सारे सुखी होंगे? सब कैसे सुखी हो जाएंगे? सत्यता को ही जन्म कहा जाता है अपनी बेहद में। ब्राह्मणों की दुनिया जो है वो संकल्पों की दुनिया है या स्थूल दुनिया है? ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची या स्थूल में सृष्टि रची? ब्राह्मण संकल्पों से सृष्टि रखते, ये संकल्पों के वाइब्रेशन से तीव्रता से सारी दुनिया में प्रत्यक्षता की बात है। अभी भाग दौड़ बहुत कर ली ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने, बहुत वाचा चला ली, रिजल्ट क्या निकला? प्रत्यक्षता हुई नहीं हुई? वाचा की पावर में ज्यादा ताकत है, कर्म इंद्रियों की पावर में ज्यादा ताकत है या मनसा में ज्यादा ताकत है? मनसा में। तो कैसे प्रत्यक्षता होगी? प्रत्यक्षता होगी है प्रत्येक ब्राह्मण उसका जन्म हो गया माने कृष्ण की प्रत्यक्षता हो गई। जैसे बच्चा है बाहर की दुनिया में पहले गर्भ में होता है गुप्त है बाद में बाहर आता है तो कैसे जन्म हुआ? तो ऐसे ही अभी गुप्त है इसके रूप भी लाड कृष्ण को मानते हैं, इसके शास्त्रों में लिखा हुआ है कि प्राय से 3000 साल पहले लाड कृष्ण का राज्य था। उन्होंने कब देखा? जाना होगा तब तो लिखा शास्त्रों में, समय की बात नहीं। बाबा एक क्वेश्चन है, 17 कृष्ण में बाप की प्रतिष्ठा है, 18 में कृष्ण की प्रतिष्ठा पर 18 में माँ पिता का लक्ष्मी नारायण एक पाठ है, तो ये दोनों के साथ माने बिंदु लक्ष्मी नारायण का पाठ बजी लगा रहे थे। हाँ जी संगम दो पार्ट नहीं है, दो आत्माओं का पार्ट लोगों को समझ में आएगा कि आत्माएं दो है, एक माँ बाप राम सीता और राधा कृष्ण बच्चे, और एक ही शरीर है। शरीर एक है लेकिन आत्मा पार्ट बजाने वाली दो है। बाबा जैसे काली में चंद्रमा ब्रह्मा प्रवेश करे तो इसे बाबा के शंकर के मस्तक पर को दिखाया, उस समय शंकर के मस्तक पर जो चंद्रमा आदि दिखाया जाता है वो इस समय के यादगार है। जब तक कृष्ण की सोल अधूरी है
जब कृष्ण की सोल संपूर्ण बन जाती है तो संपूर्ण चंद्रमा हो जाएगा या अधूरा चंद्रमा कहा जाएगा? संपूर्ण चंद्रमा हो जाएगा। महाकाली में महाकाली का रूप होगा तो फिर जो ब्रह्मा बाबा प्रवेश में उनके मस्तक पर शंकर जी के मस्तक हम दिखाया है तो वो धर्मराज का पाठ कैसे बनेगा? कैसे बनेगा मानो मैंने महाकाली का रूप तो जो महाकाली का पाठ कृष्ण में और जो गीता का भगवान कृष्ण बताया है उसमें अंतर है या नहीं है? संगम ही कृष्ण कौन सा पार्ट है जिसे मूर्ति में बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज पिता पिता, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। तो ये चारों ही पार्ट एक ही व्यक्तित्व की तरफ इशारा है या चार व्यक्तित्व अलग अलग है? लेकिन टाइम टाइम का बात ना, टाइम टाइम की बात है, एक ही समय के अंदर एक ही व्यक्तित्व के द्वारा संगत भी कृष्ण का भी पार्ट है। बता कालोनी किसने मना किया है? बाबा तू कब से बता रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण बनो, स्टार्ट करो लक्ष्मी नारायण बनने का और लक्ष्मी नारायण का मंदिर अपने घर को बनाओ। लक्ष्मी नारायण वहाँ मौजूद होने चाहिए टेम्पल के रूप में पुरुषार्थ करने और कराने वाले। ऐसे युगल अगर मौजूद है तो गीता पाठ करना क्यों नहीं कर सकते? गीता पाठशाला गीता मंदिर कहा ही तब जाता है, यादगार ही तब बनती है जब कृष्ण भगवान उसमें पढ़ाई पढ़ाने आया हो, नहीं तो गीता मंदिरों का गायन कैसे होता है? ये गुलजार दादी से पूछना पड़ता है कब आ रहे मंगल तो का खून होता है, संकल्प जब शुद्ध होते हैं तो खून अपने आप शुद्ध हो जाता है। शुद्ध तभी होते हैं संकल्प जब आत्मा अपनी जगह स्थिर हो जाती है। बीमारियां नहीं आई क्या? शरीर करते जावेंगे आत्मा पावरफुल होती जाएगी। कितना भी शरीर करता जाए सूर्य सेवन विवेदान नहीं पड़ेगा तो आत्मा पावरफुल हुई या कमजोर हुई? और क्या चाहिए? आगे बनाने की बात है या कोई दूसरी बात है? उसमें कोई भी तरीके से बाकी बनाना है बाबा। राम और कृष्ण की आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। राम और कृष्ण की आत्माएं 84 जन्म लेती हैं तो जो 84 जन्मों के नाम कैसे पता कर सकते हैं? राम और कृष्ण की आत्माओं के यदि नाम पता करना हो 84 तो कैसे पता कर सकते हैं? जी के पॉइंट ऐड करते जाओ नाम पता करते जाएंगे। जैसे मुरली में बोला है शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी है। क्या शास्त्रों में जो लिखने वाले हैं शास्त्रों के उन्होंने शास्त्रों में अपनी ही कहानी लिख दी है। इसका मतलब जो सूर सागर लिखा है वो किसने लिखा है? सूर सागर में कृष्ण की कथा कहानी है किसने लिखी? ब्रह्मा की। तो एक जन्म ये हो गया ना सूरदास का।
राम ने रामायण लिखी, क्या लिखा? द्वापर युग में वाल्मीकि ने लिखी और कलयुग में तुलसीदास ने लिखी। तो राम के ये दो जन्म क्लियर हो जाते हैं ना, कि द्वापर युग में वाल्मीकि बनता है और कलयुग में तुलसीदास बनता है। ऐसे ऐसे ढेर सारे महावाक्य हैं मुरलियों में, जब अर्थ होगी गहराई से तो सारी बातें क्लियर होंगी, और उन आत्माओं के आधार पर उनके फॉलोअर्स के भी पार्ट क्लियर हो जाएंगे। कौन कौन उनके नजदीकी है? जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना इसलिए सेवा में तन खपा देंगे, मन खपा देंगे, धन खपा देंगे, समय लगा देंगे, संकल्प शक्ति लगा देंगे, उतना उतना बाप की याद पक्की होती जाती है। बाबा विजय माला का मणका रानी मक्खी जब निकलेगी तो ढेर सारी मक्खियाँ उनके पीछे आएगी, तो वो भट्टी करेंगे बाबा करेंगे, तो वो क्या रुद्रमाला के बच्चे बन जाएंगे क्या? भट्टी करेंगे तो रुद्रमाला के मणकों को विजय माला में ऐड कर लेंगे। रुद्रमाला के मणके विजय माला में पिरोए जाएंगे। ऐसे पुरानी परंपरा में जो कन्याएं होती थी वो राजाओं का वरण करती थी, माला गले में डालती थी। तो जैसे कि वरमाला रुद्रमाला के मणकों के गले में नंबरवार पिरोई जाती रही, रुद्रमाला के मणके विजय माला में पिरोए जाएंगे जो निर्विकारी बनते जाएंगे। तो भट्टी रुद्रमाला और विजय माला की दोनों साथ चलती रहेगी? भट्टी एक बार होती है बार बार होती है? एक बार होती है, तो ये रुद्रमाला की भट्टी के बाद ही विजय माला की भट्टी होगी क्या होगा? रुद्रमाला के मण के पहले तैयार होते हैं या विजय माला के पहले तैयार? रुद्रमाला के तैयार होते हैं। रुद्रमाला के तैयार हो गए भट्टी तुलसी हो गई, विजय माला तैयार होगी तो वो भी एडवांस ज्ञान लेंगे, उनकी भी भट्टी चलेगी। रुद्रमाला कितनी होगी? सवा दो लाख। तो विजय माला कितनी होगी? सवा दो लाख। फिर क्या पूछ रहे? इसके बाद तो कोई नहीं करेगा, टाइम ही नहीं रहेगा करने का, भट्टा ही बैठ जाएगा। बड़ा मुर्गी करते समय नींद क्यों आती आत्मा? ऐसा ऐसा काम किया होगा सत्संग में बिगड़ डाले होंगे। बाबा जितना संगम पे बाबा सर अलग हो जाता है, धड़ अलग हो जाता है, माने आत्मा अलग हो गई और देह अभिमान अलग हो गया, माने चार ब्रह्म है वो देह बान की एक में रह जाते हैं नंबर वार, और एक प्रजापिता ब्रह्मा है वो उन चार भुजाओं को चलाने वाली आत्मा की रूप में स्थित हो जाता है। जो अव्यक्त वाणी में बोला है ब्रह्मा का कार्य स्थापना के कार्य में अंत तक चलेगा, भुजाओं के बगैर स्थापना नहीं हो सकती, भुजा मन सहयोगी भुजाएं स्थापना का कार्य जरूर संपन्न करती रहेगी, परंतु भुजाएं अपने आप नहीं चलती, चलाने वाला भी चाहिए। तो पांच मुख हैं ब्रह्मा के, एक आत्मा बन जाता है
देहबान खला और चार नंबर बार देहबान में रहेंगे जो भुजाओं के रूप में दिखाई गए कोई ऊपर की भुजा कोई नीचे की भुजा कोई दाईं ओर की भुजा कोई बाईं ओर की भुजा एक जैसी स्थिति नहीं है चारों भुजाओं की और बाबा संगम पर जितना जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना ही स्थूल धन अगले जन्म बन जाएंगे धनी बन जाएंगे ये तो बोला है ये ज्ञान रतन जन्म जन्मांतर के स्थूल रतन बन जाएंगे तो जो भी पैसे वाले हैं जो तो ज्ञान में आ नहीं रहे हैं तो जो पैसे वाले कैसे कितना बना रहे हैं बच्चे आखिर में जाकर के अपना तन मन धन जब देखेंगे रुकती भी नहीं नोट और गद्दियों से ये सेवा में ही लगा दो तो अंत में प्राप्ति कर लेंगे अंत की शूटिंग में प्राप्ति की तो क्या की जो पहले पहले फसल बोई जाती है उसमें बीज जो बो देता है वो ज्यादा फायदे में रहता है या बाद में बीज बोता है वो फायदे में रहता है पहले बोता है वो फायदे में रहता है तो मैंने पहले बो लिया तो फायदे में हो ना अविनाशी ज्ञान रतन गुप्त बाप गुप्त ऋषि कर देते हैं इसका भावार्थ ये है कि दुनिया नहीं जानती इनको क्या मिल रहा है डीके वाले नहीं जानते इनको क्या मिल रहा है लेकिन जिनको मिल रहा है वो गुप्त रूप में ले रहे हैं और देने वाला उनको दे रहा है और जिनको मिल रहा है उनमें भी कोई भटकने वाले हैं तो उनको नहीं मिल रहा है और कोई लेने वाले हैं वो अंत तक लेते रहते हैं यहाँ तो सभी लोग बाबा को जानते हैं लेकिन लेते हैं एक जैसा ये भांति भांति की पार्टियों में भी भटकते हैं पार्टीबाजी में जाते हैं ग्रुप बनाते हैं बनाते हैं कि नहीं है तो ग्रुप बनाएंगे तो दिल की बातें दिलावरों से कहेंगे या बाप से कहेंगे है तो भाई दिल लगेगी वो ही आपस में याद आ देंगे जोर से बोलो ना मुरली में आप पहली मूर्ति से दुर्गति दूसरी मूर्ति से दुर्गति कैसे पहली मूर्ति से दुर्गति हुई दूसरी मूर्ति से भी दुर्गति हुई पहली मूर्ति से दुर्गति हुई दूसरी मूर्ति से भी दुर्गति हुई कौन सी मुरली में बोला बाबा ने मुरली में बोला पहली मूर्ति से दुर्गति हुई कौन सी मुरली में बोला और दूसरी मूर्ति से दुर्गति हुई कौन सी मुरली में बोला तारीख बताओ तारीख ऐसे नहीं माना जाता है बड़ी बात कहना बड़े मुद्दे कहना अब तारीख नहीं बताना अगली बार लाना तारीख मुरली ले आना ये जो आत्मा है मतलब बाबा से कांटेक्ट में आती है संगम में वो हर जन्म जन्म में कांटेक्ट आए यहाँ कांटेक्ट में ज्यादा रहेंगे वो वहाँ भी कांटेक्ट में ज्यादा रहेंगे हर जन्म यहाँ दूर रहेंगे वहाँ भी दूर रहेंगे शूटिंग तो यहाँ हो रही है ना रिहर्सल तो यहाँ हो रही है ना है मन बुद्धि की बात मन बुद्धि के बांधेली माताएं बहुत नजदीक है और तन से दूर है तो 84 जन्म में नजदीक रहेंगी या दूर रहेंगी ठीक है विष्णु पार्टी बनी बाबा होशंगाबाद में विष्णु पार्टी बन रही है वो बन रही है मानते हैं कई लोग मांगते मानते बाबा मारते मानते क्या मांगते मारने लगे बाबा किसको मारने लगे अरे देहलमान आता होगा उसको मारने होंगे मारने लगे बाबा ये विष्णु पार्टी मारने लगे भाई पार्टी मारने लगी मारने लगे मारने लगे बाबा मारने लगे मार में नहीं मानने लगे विष्णु पार्टी मारने लगे वोट मारते बाबा पार्टी को मानने लगे ये पार्टी बाजी किसने बनाई मुकेश भाई ने अरे
मुरली में कोई महाभाग्य ऐसा आया है कि ब्रह्मा की पार्टी, विष्णु की पार्टी, शंकर की पार्टी, ये तो व्यक्ति के आज के तीन बच्चे जो बाप के पहली पहलौटी के बच्चे, अगर पहलौटी के बच्चों में ही पार्टीवादी होगी तो दुनिया का क्या हाल होगा। ये पार्टीवादी इसी कोटि की आत्माएं हैं जो पार्टीवादी प्रकृति करती है, चाहे वो बेसिक नॉलेज वाले हो और घोषणा करे ये पार्टी वो पार्टी, और चाहे वो नए नए निकलने वाले विष्णु पार्टी के हो और घोषणा करे कि ये पार्टी वो पार्टी, बाकी सब एक बाप के बच्चे हैं और ये दुनिया एक ही बन करके रहेगी, अंत में एक ही हट्टी है, जावेंगे कहाँ। जिसमें पार्ट डिक्लेयर होने, कौन जिस धर्म में कन्वर्ट होकर के जाने वाला है वो क्लियर होने वाला है, कोई तो तरीका होना चाहिए, तो ये तरीका है। माताएं बोलती हैं तो बोलना नहीं चाहिए। माताओं के मुंह में से बार बार कपड़ा झूठ देते हैं। कौन ये धर्मगुरु? धर्मगुरु माने कौन? कौन जो अपने अपनी धारणाओं को लेकर बैठे हैं। कौन? हम सब कुछ है, अभी इन ज्ञान गंगाओं में पाँव रखेंगे कि ज्ञान गंगा पवित्र हो जाएगी। हाँ, तो भी माताएं बोलेंगी तो उनको उनका सिर नीचे हो जाएगा, भाई लोग बोलेंगी तो उनका सिर ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि बाबा ने तो इनको आगे किया होगा, बाबा ने आगे किया हो, बाबा ने तो डिक्लेयर कर दिया पुरुष शब्द योजन दूसरा कर। अब आप अपनी सीट को नहीं पकड़े तो बाबा क्या करे? लेकिन माता है कभी भी नहीं, पापा को चक्कर ब्रह्मा के द्वारा ही स्थापना का पाठ बजाते हैं। एक समय कहाँ है, समय तो अलग हो गया ना, एक शरीर में एक पार्ट दूसरे पार्ट में। ये जितने यहाँ बैठे हुए हैं ये पहले बेसिक में नहीं थे क्या? ये तो बात गलत साबित हो गई। जैसे बेसिक में बोला इस गांव को संदेश देंगे एक मिलेगा, ऐसे यहाँ करके देख लो, गांव को संदेश देंगे, गौ ब्रह्मा कुमार कुमारों को बैठ करके संदेश देंगे तो उनमें एक जरूर निकलेगा। ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी बात कोई सुनता ही नहीं, प्रजा ज्यादा बनेगी और राजा थोड़े बनेगी। बाबा हमारे सुनने में अपने बाप की बात तो सुननी पड़ेगी। क्योंकि आप लोग को हिम्मत है कि हमारा बाप आया हुआ है, दूसरे की हिम्मत लेने की जरूरत नहीं है। बाबा बोलते एक मरका सैन चीज का है और एक मरका पावर फल है, एक मरका सैन चीज का है और दूसरा मरका पावर फल है, लोग एक मरका सैन चीज का है और दूसरा मरका पावर फल है, नौ जगह टकराएंगे, नौ जगह कौन है जो टकराएंगे? जो सैन चीज है वो कभी टकराएगा ही नहीं, तो सैन करता रहेगा, जो टकराने वाला होगा टकराएगा। अगर पावरफुल है, अगर पावरफुल है तो टकराते टकराते क्रैश कर जाएगा, अगर कमजोर है फिर भी टकराता है अहंकार के वक्त, जरा सही हो जाए शहन सीता वाला विजयी हो जाए। बाबा जो ये महाकाली के गले में मुंड माला है और उसके हाथों में रुद्र माला का मतलब रुद्र माला के बढ़ गए, जो बुद्धि से काम ज्यादा करते हैं, बुद्धि ज्यादा चलाते हैं, तन से सहयोग नहीं देते, कर्म इंद्रियों से पवित्रता का सहयोग
नहीं देते, लेकिन बुद्धि से सहयोग ज्यादा देते, अकल ज्यादा चलाते। तो ऐसे मुंडों को काट काट के उनका देहभान काट देती है और उनको अपने गले में लटका देती है, माने अपना भगत बना लेती है। तैयारी नहीं सुनती तो निश्चिंत हो जाओ, बाबा ने बोला आगे चलते चल पड़ेगी। तुमको घर से बाहर निकाल दे, निकल जाओ, बड़ी बच्ची बात, घर से बाहर निकाल दिया, पुलिस में रिपोर्ट करो और FIR की कापी लो और कहीं भी आश्रम में जाके बैठ जाओ। जब उसने एक बार तुमको पिटाई करके बाहर निकाल दिया, तुमने पुलिस में रिपोर्ट कर दी, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता, तरीके से काम करेंगे तो बच्चा है, बच्ची कराओ ना कराओ क्या अंतर पड़ता है। इसलिए बताते हैं कि दुनिया की एक समस्या है कि प्राइवेट कंपनियों में पैसा डाले तो गुम हो जाती है प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट बैंकों में पैसा डाले तो बैंकें फेल हो जाती हैं। और अभी तो हालत यहाँ तक हो गई है कि करेंसी भी फेल हो सकती है, क्या बैंक के जो लेफ्ट साइड के हैं वो भी फेल हो सकती है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो बताया कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जो सेफ्टी की दृष्टि से बहुत दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी है, वो है ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ पहाड़, माउंट आबू, जहाँ से नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है। दुनिया को इस बात का पता नहीं है कि वहाँ तपस्या के वाइब्रेशन अंत में कितने तीखे हो जाएंगे, तो बुरे वाइब्रेशन का असर सारी दुनिया में पड़ेगा, दुनिया के हर स्थान पर पड़ेगा, लेकिन अंत तक माउंट आबू में वो असर नहीं पड़ेगा। हाँ, लास्ट के जो 5-7 रोज हैं उनमें तो सारी दुनिया ही चली जाएगी, माउंट आबू भी जाएगी। बाबा खरीदे इनके पास ये समस्या हो, पैसा कहाँ डाले, उनको खरीद ले। बाबा के पास जो पैसा है वो बच्चों की परवरिश के लिए, क्या जमीन जायदाद खरीदने के लिए और पैसा को सिक्योर करने के लिए नहीं है। बाप तो कहते हैं मैं आगे चल के पैसा लेना भी बंद कर दूंगा, अब क्यों ले रहे हैं जब हमारे काम में ही नहीं आवेगा। चार तरफ का चलाने वाली होती है जी। तो ये किसने कहा कि मुझे प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा, तो ये कहने वाली तो कौन सी कि मुझे इसमें प्रवेश करूँ उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा। हाँ, शिव भगवान ने बोला ये तो। हाँ जी, तो वो बात सारी आपने दूसरी है, पांच ब्रह्मा के अलावा। हाँ, में मुकर्रर उसमें प्रवेश करता है उस तनधारी को आप समान बना देता है। जब वो तनधारी आप समान बनता है, बाप समान बनता है, तो वो स्वयं ही वो शिव हो जाता है जिसके लिए मुर्गी बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो वो कौन सा शिव बाबा, ऊपर वाला नीचे वाला? माता की है, रोज माता
नाम ही अभी तक रखा है तो माता ही है, माता के माता मुरली चलाती है टीवी में, उनका नाम क्या रखा है माता है, माता माता है वो, माता है उनके को चलाती है वो, पिता माता को चला रही, उनका नाम क्या रखा है माता के साथ पिता नहीं है, यहाँ तो गीता पाठशाला है उनमें लक्ष्य दिया जाता है नर से नारायण नाथ से लक्ष्मी बनना है, प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान सीखना है और प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान सिखाना है और अपने घर को लक्ष्मी नारायण मंदिर जैसा बनाना है, जब लक्ष्मी नारायण जैसा मंदिर बनाना है तो सिखाने वाले लक्ष्मी नारायण जैसे युवक होना चाहिए या विधवा होना चाहिए, कोई नहीं है तुझे, जब तक नहीं है तब तक, और जब कोई युवा निकला है तुझे लोग नहीं, नारायण की लक्ष्मी आप बन सकते किसी मुरली में ये नहीं बोला नर से नारायण और नारी से जगदम्बा बनना है, नारी से जगदम्बा बनने का लक्ष्य नहीं दिया है, क्योंकि जगदम्बा है सारे जगत की अम्बा माने राक्षसों की भी अम्बा, तो कोई राक्षसों की अम्बा बनना पसंद करेगा, जगदम्बा का पद जगदम्बा का ही रहेगा, जगदम्बा से ऊंचा पद किसी का होता ही नहीं, भविष्य में सतयुग में नीचा पद होगा और संगम युग में जगदम्बा का ऊंचा पद है, उसकी यादगार राजघरानों में राजसभाओं में हिस्ट्री में दिखाई गई है, राजाएं जब गद्दी पर बैठते थे तो राजमाता उनकी कुर्सी पर बैठती और बीच में नहीं बोलो, और राजलक्ष्मी राजा के साथ नीची गद्दियों पर बैठती है, तो उनकी कौन हुई राजमाता। आज भी परिवारों में सास का मान ज्यादा होता है या बहू का मान ज्यादा होता है, सास का मान ज्यादा होता है समाज में, हाँ जी जोड़ा, अरे जोड़ा की अपनी चिंता करो, जगदम्बा की क्या चिंता करना, अपना जोड़ा देखो बच्चे होंगे तो मतलब पैदा तो जैसे यहाँ पर होते मिट्टी होते हैं, मतलब जन्म लेते ही बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे, गाय का बच्चा, गाय पशु प्रधान जानवर माना जाता है, गाय का बच्चा जन्म लेते ही दौड़ने लगता है या दो चार साल पालने में पड़ा रहता है, तो ऐसे ही वहाँ सत्व प्रधान देवता पैदा होंगे या तमो प्रधान जानवर पैदा होंगे, बाबा गणेश को इसमें हत्या घटना बताते हैं, बाण छोटा है गणेश को बहुत हत्या घटना बताते हैं और बाण बताते हैं छोटा सचिव, हाँ जी तो इससे क्या होगा, माने छोटी छोटी दूर और डरपोक आत्माओं का सहारा लेता है और जिस घर में भी वो कार्य करता है उसकी सेवा का वो नीचे नीचे खोखला कर देता है, बाद में ब्रह्मा कुमारियों को पता चलता है अरे ये तो सारा घर बैठ गया, वरदान तो मिल गया जो एडवांस पार्टी में चलते हैं आगे चल के उनका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, क्योंकि जब बाप प्रत्यक्ष होगा तो बाप के प्रत्यक्ष होने के बाद उनकी आंखें खुल जाएंगी कि हमने तो इनको बेवकूफ समझा था और ये तो बहुत होशियार निकले और पूजा करने लग पड़े, खुद भी ज्ञान में चलने लग पड़े, हाँ जी घर के परिवार के बच्चे जो होंगे जो परिवार के अभी विरोधी है और विरोधी बनकर के बाबा की मुरली सुनते हैं अपोजिशन करते हैं आगे चल के वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं, जो पावरफुल आत्माएं हैं उनकी बात है सबकी बात नहीं है, जो पावरफुल आत्माएं हैं वो घड़ी घड़ी ऊपर चढ़ती है
परंतु उन पावरफुल बाप समान आत्माओं के बच्चे जब तक उनके साथ संपन्न न बन जाए तब तक वापस नहीं जा सकते। तो ऊपर चढ़ने से भी क्या फायदा, उनको नीचे उतरना है, नीचे गए हुओं को उठाना भी है, फिर ऊपर चढ़ना है, फिर नीचे आना है, रंग का रंग लगता है, ऊपर जाती है नीचे उतरती है। जित और न दो शब्द मिला के बताया है, जिन्न माने जो जीती ना जा सके, अभी बताया पावरफुल आत्मा है, उन पावरफुल आत्माओं को कोई जीत नहीं सकता, प्रजावर्ग की आत्मा तो बिल्कुल ही नहीं जीत पाएंगे। हाँ कामधेनु गाय के बदन में पूरे देवताओं को बताया शरीर में, हाँ क्या अर्थ है, कामधेनु गाय मैंने गई है, ज्ञान में ऐसी कौन सी गई है जिसके सामने जाकर के सब कामनाओं की पूर्ति होती है। बाबा पहले राधे बोलते हैं बाद में कृष्ण बोलते हैं, पहले सीता बोलते हैं बाद में राम बोलते हैं, और लेकिन इधर पे पहले ब्रह्मा बोलते हैं बाद में सरस्वती बोलते हैं, पहले शंकर बाद में पार्वती बोलते हैं। हाँ, ब्रह्मा ने सरस्वती ने शंकर ने और पार्वती ने जो पुरुषार्थ किया है उसके अनुसार ब्रह्मा सरस्वती का पाठ अधूरा है या शंकर पार्वती का पाठ अधूरा है, ब्रह्मा तो उनकी तो बात ही छोड़ दो, और शंकर पार्वती जिनको कहा गया है उसमें शंकर आगे है और पार्वती पीछे है, पार्वती शंकर नहीं कहेंगे, शंकर को पहले रखते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें प्रवेश कौन है, वो बड़ा है या पार्वती बड़ी है, क्योंकि उसमें शिव ने प्रवेश किया है, शिव ने उसको स्वीकार किया है अपना कार्य करने के लिए, ये शंकर पहले पार्वती बाद में, और फिर राधा पहले और कृष्ण बाद में, सीता पहले और राम बाद में, राम जो फेल हो गया उसका नाम राम पड़ा, पास कब होता है, जब सीता सहयोगी बन जाती है तब पास होता है या पहले ही पास हो जाता है, जब तक वो सीता सहयोगी न बने पवित्रता के पुरुषार्थ में तब तक कोई अचकल्याणी पचकल्याणी सहयोगी उसको संपन्न नहीं बना सकता, पास नहीं लगा सकता, इसलिए सीता का नाम पहले राम का नाम बाद। मुरली बोला अभी आप बोल रहे थे राम जन गिरदम्बा को कहेंगे, जैसे कंपनी वाली भर्ती करने जाते तो बोलते हैं कि मम्मी बोल एक घोषणा पत्र आता है उसमें लिखा हुआ होता है कि मैं अपनी माँ की इच्छा सरेंडर हुई थी, अपनी माँ की इच्छा सरेंडर हुई थी, व्यक्तिगत प्रवृत्ति कहेंगे क्या, उसमें घोषणा पत्र में लिखा आता है कि मैं अपनी माँ की इच्छा सरेंडर हुई थी, तो उनको प्रैक्टिकल प्रवृत्ति कहेंगे क्या, और मैं अपनी इच्छा से जा रही हूँ अभी छोड़ के, सरेंडर हुई थी सरेंडर होके रही नहीं, तुमको पैदा नहीं किया, तो अभी बोल रहे ना तो चली गई मतलब इच्छा से जा रही, तुमको पैदा तो किया, पैदा करके मरी, तुम्हारा काम तो हो गया, अरे अरे तुम रुद्रमाला के मड़के बने कि नहीं बने, बने, अब उनका पाठ दूसरा है, जो पाठ दूसरा है उस पाठ में तुमको शरीक होना है तो शरीक हो सकते, जो महाकाली की भुजाएं होंगी वो महाकाली की भुजाएं बनेंगी, महाकाली के फॉलोअर्स होंगे तो फॉलोअर्स बनेंगे, बाकी दूसरा ग्रुप है महाकाल, महाकाल को विनाश करते हुए नहीं दिखाया है, लेकिन शक्तियों को संहार कार्य नहीं दिखाया है, शंकर विनाश नहीं करता है लेकिन शक्तियों के द्वारा विनाश है, तो ये प्रेरणा है, प्रेरित किया गया है काहे के लिए, इन आसुरों का संहार करो, तो ये भी बड़ा काम है,
इतने ज्यादा पावर भरी होगी संघ के रंग की, कोई रचना ये कार्य कर सकेगी। इसलिए सबसे बड़ा मेला किसका मनाया जाता है? जगदम्बा का सबसे बड़ा मेला मनाया जाता है, और वो विनाश का कार्य दूसरा कोई नहीं कर सकता। और उन्हें इतनी पावर भरी ही नहीं, इसलिए ये राज की बात है। रामायण बताते हैं कि राम जब गया वन में राम जी का चार में, तो शंकर जी के सामने आए तो बाबा कहता यहाँ तो संगमी भी, यहाँ तो संगमी का ही शास्त्र में गायन है, तो राम और शंकर जो पातधारी यहाँ संगमी अलग होंगे बाबा? या शंकर माने क्या मिक्स बाबा है? तो कौन कौन मिक्स है? अकेला राम है कि और आत्माएं भी मिक्स है? और आत्माएं हाँ, ये राम पातधारी वो आत्मा एक है। और जब शंकर कहा जाता है तो अकेला राम नहीं है, तीन आत्माएं कार्य कर रही है। शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, शंकर है पवित्र या अपवित्र? पवित्र है, फरिश्ता है, मनन चिंतन मंथन वाला है, निराकारी तेज वाला है, इसलिए पवित्र है। और प्रजापिता अपवित्र है। दो पर्सनैलिटी अलग हुई ना बाबा? पर्सनैलिटी एक ही है, आत्माएं अलग अलग है। ये कहा है कि जब विनाश होगा तो आधी पाप आत्माएं बचेंगी और आधी पुण्य आत्माएं बचेंगी, ठीक है? अभी बताया रुद्र की रचते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कितने शालिग्राम बनाते हैं? लाख दो लाख, उनमें लाख है सूर्यवंशी चंद्रवंशी, और बाकी जो बचे वो श्रेष्ठ वंशी है या भ्रष्ट वंशी है? तो आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा बचेंगे। अच्छी चीज थोड़ी होती है ज्यादा होती है? थोड़ी होती है। भगवान ने बताया कि ये सभी आत्माएं मतलब भगवान को पहचान लेगी, भगवान माँ को, तो मतलब लाखों की संख्या में जो बच्चे रहेंगे 5 साल से नीचे के, वो तो मतलब पहचान नहीं पाएंगे। आज 3 साल का बच्चा अखबारों में, रेडियो में, टीवी में आ रहा है कि कंप्यूटर चला रहा है और दुनिया की गहरी से गहरी खबरें ले रहा है, माँ बाप को बता रहा है। तो 5 साल से तुमने ज्यादा ही बता दिया। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास है न तो कौन सी है। अर्जुन ने पूछा भगवान से, हे भगवान आत्मिक स्थिति कैसे बने? तो उन्होंने कहा अभ्यास करो और इस दुनिया से वैराग पैदा करो। ये दुनिया जो आंखों से देख रहे हैं वो सब खत्म हुई पड़ी है, बार बार ये बुद्धि मिलाना है। एटम बम बन चुके हैं ये मेलवाड़ियाँ, अटारियाँ, मोटर कार, एरोप्लेन, ये सब खलास होने वाले हैं। आत्मा है अणुवणिया, भ्रगोर मध्य प्रकृति के मध्य में उस अनुरूप आत्मा को याद करो, पितारे को याद करो। तो बार बार याद करेंगे तो क्यों नहीं याद होगा? खास अमृत के लिए बैठ करके याद करो। देखो कि प्रकृति के बीच में सितारा चमक रहा है। माँ के सामने बच्चा नहीं होता है, बच्चा स्कूल में चला जाता है या विदेश में हॉस्टल में पढ़ने चला जाता है, तो भी माँ बच्चे को सामने लाती है कि नहीं लाती हूँ? तो ऐसे ही आत्मा को सामने नहीं ला सकते। महाभारत ने अश्वत्थामा बताया,
उसके भ्रगुति के मत में मरी थी, उसको पांडवों ने निकलवा लिया था, मतलब वो अमर भी था। मणि निकल गई तो अमर कहाँ रह गया? चलो भाई, हो गया पूरा।